नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे प्राचीन बिहार के इतिहास से रिलेटेड, जो प्राचीन बिहार के जो इतिहास थे उन सभी फैक्टरों को हम जान लिए थे। और यह नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम मध्यकालीन बिहार के बारे में जानेंगे, यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास है बिहार के संदर्भ में उसको जानेंगे। और यह जो सीरीज है आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार तथ्य संग्रह का, जो इरुटेरिया बुक है उसका जो है कि सीरीज है या, और इससे बेहतर ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के जितने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। तो जानेंगे यहाँ से कि बिहार में जो मध्यकालीन इतिहास था उससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में, जो कि आए दिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं। मध्यकालीन बिहार के बारे में जाने तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पे जिसमें कि कहेंगे कि तुर्क शासन में बिहार के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश से रिलेटेड था उनसे जानेंगे। उसके बाद सिख धर्म के बारे में जानेंगे, सल्तनत काल में बिहार कैसा था उसके बारे में जानेंगे फैक्ट। उसके बाद अफगान शासन में बिहार, शेर शाह सूरी के समय जो अफगान शासन था बिहार में तो उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मुगल काल में जो बिहार का क्या स्थिति रहा था और कैसा संदर्भ था उन सभी बातों को जानेंगे, एक एक फैक्ट को जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा यहाँ पर तुर्क शासन में बिहार, ये टॉपिक देखेंगे तो यहाँ से टॉपिक जो है रिलेटेड करता है जो सब टॉपिक से कि तुर्क शासन में बख्तियार खिलजी था। तो ध्यान रखेंगे तुर्क शासन के अंतर्गत कौन था शासक था, तो बख्तियार खिलजी था। उसके बाद देखें तो इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में जाने तो बिहार में तुर्क सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। ध्यान रखेंगे बख्तियार खिलजी कुतुबद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी किसका दास था, तो कुतुबद्दीन ऐबक का दास था। इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन के साथ आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन प्रेस करिएगा। लाइक का बटन प्रेस करने से मात्र एक मोटिवेशन मिलता है जिसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना करके लाते रहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासक का शासन था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के जो समय बिहार में देखें तो छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था जिस समय में बख्तियार खिलजी ने शासन, मतलब जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था बिहार पे। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता मिली थी अदंतपुरी बिहार में। ध्यान रखेंगे बख्तियार खिलजी की जो पहली जो महत्वपूर्ण सफलता मिली थी वह कहाँ मिली थी, तो अदंतपुरी बिहार में मिली थी। और अदंतपुरी बिहार में जो है कि विजय थी कब, तो 1198 ईस्वी में उन्होंने इस पर विजय पाया था अदंतपुरी बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है बख्तियार खिलजी ने अदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। ध्यान रखेंगे बख्तियार खिलजी ने अदंतपुरी के साथ, अदंतपुरी को तो नष्ट किया ही था, साथ ही साथ नालंदा में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसको भी नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी ही था। इस विश्वविद्यालय में उसने आग लगवा दिया था, यानी आग लगा करके इसको नष्ट करने का काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है यहाँ से देखने को मिलेगा, उसने 1203 से लेकर के 1204 ईस्वी तक नदिया जो कि बंगाल में स्थित है उस पर जो है कि चढ़ाई की, जो कि सेन वंश की राजधानी थी। ध्यान रखेंगे जो नदिया बंगाल में भी पड़ता है उस पर चढ़ाई की और वहाँ के जो राजधानी थे, वहाँ जो मतलब नदिया जो राजधानी था किसका राजधानी था, तो सेन वंश का राजधानी था। उस समय सेन वंश की बात करें तो सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, यानी कि उस समय जो सेन वंश का जो शासक था कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया और बख्तियार खिलजी ने क्या किया, तो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लखनौती को अपना जो है कि राजधानी बना दिया। इसको ध्यान रखेंगे जो लखनौती राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा बनाया गया। और जो बिना लड़े लक्ष्मण सेन जो थे सेन वंश के जो शासक थे उसने क्या किया, तो बख्तियार खिलजी से बिना लड़े ही भाग गया डर के मारे। ध्यान रखेंगे अगला फैक्ट है बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी जो अली मर्दान थे वो जो है कि ने कर दी थी। ध्यान रखेंगे अली मर्दान जो थे बख्तियार खिलजी के अधिकारी थे तो उन्होंने ही उसका अध्ययन मतलब हत्या कर दिया था और उसके शव को बिहार शरीफ इमादपुर में दफना दिया था। ध्यान रखेंगे बिहार शरीफ के इमादपुर में किसका शव
मतलब दफनाया गया था, तो बख्तियार खिलजी का सबको दफना दिया गया था। और किसके द्वारा मारा गया था, तो उसके अधिकारी के द्वारा ही मार दिया गया था। उसके अधिकारी का नाम था अली मर्दान। अब जानेंगे नए फैक्ट की तरफ चलेंगे, नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, तो स्थानीय वंश। स्थानीय वंश को जाने तो आप कर्नाट वंश के बारे में भी जानते होंगे, तो कर्नाट वंश और स्थानीय वंश जो संबंधित है, और उससे निकलता है सब टॉपिक जो कि मिथिला के कर्नाट वंश से। मिथिला के कर्नाट वंश के जो सब टॉपिक है उससे रिलेटेड फैक्ट जानेंगे। तो पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कब उदय हुआ कर्नाट वंश का, तो पाल वंश के पतन होने के बाद, जो है पाल वंश का खत्म होने के बाद जो है कि तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में देखने को मिला हमें क्या, तो कर्नाट वंश। उसके बाद देखेंगे तो इससे जुड़ी फैक्ट यहाँ पर निकल के आता है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्याय देव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो न्याय देव थे। उससे जुड़ी फैक्ट है यहाँ से कि कर्नाट वंश की राजधानी आप देखें तो सिमरावगढ़ था। यानी कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था, तो सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नाजराना भेंट देकर सहयोग किया था। फिर से देखेंगे बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट जो शासक थे नरेंद्र देव, ध्यान रखेंगे नरसिंह देव जो थे कर्नाट के शासक थे, उन्होंने क्या किया, तो नजराना कर दिया, उसे नजराना भेंट देकर जो है कि सहयोग किया था। क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश जो था, कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। ध्यान रखेंगे कर्नाट वंश और सेन वंश के साथ जो है कि संघर्ष बराबर देखने को मिलता रहता था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन जो थे ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामीन की है ने की है। यानी कि जो तुगरिल तुगन की जो अभियान की चर्चा है वह तिब्बती धर्म स्वामीन के द्वारा किया गया है, कर्नाट वंश पर जो है कि तुर्क सेनापति का। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे तो सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। यानी कि जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उसका जो संबंध किस तरीके से देखें, तो कर्नाट वंश का जो संबंध था नजराना एवं भेंट का था। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान में, यानी कि 1324 ईस्वी से 1325 ईस्वी के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसको ध्यान रखेंगे, समानता जो देखेंगे फिर से, तो समानता दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का जो है कि संबंध किस तरीके से था, तो नजराना एवं भेंट के तौर पे था। परंतु जो है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो कि 1324 से लेकर के 1325 ईस्वी के बीच में रहा, तो उसमें क्या किया, तो कर्नाट वंश पर जो है कि विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट देखेंगे तो यहाँ से निकल के आता है, गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। ध्यान रखेंगे जो हरि सिंह देव जो थे 1279 से लेकर के 1335 ईस्वी तक समाज सुधारक के रूप में भी काम किया करते थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में जाने तो हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक रहा था। किस वंश का, कर्नाट वंश का जो है कि हरि सिंह क्या था, तो अंतिम शासक के रूप में जानने को मिलता है। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह था। और उसके समय जो है कि पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे किसके समय पे पंजी प्रबंध का विकास हुआ, तो हरि सिंह के समय जो है कि पंजी पद का प्रबंध का जो है कि विकास हुआ, और यह जो संबंधित था कर्नाट वंश से था। आगे फैक्ट देखेंगे तो संतलत काल में बिहार किस तरीके से था और बिहार का क्या स्थिति था, इसके बारे में जानेंगे। संतलत काल की बात में जाने तो यहाँ से फैक्ट निकल के आता है कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासक के बीच निरंतर जो होने वाले संघर्ष थे उसमें बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। मतलब जो है कि जब भी दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासक में जब भी युद्ध होता था तो वह बिहार के क्षेत्र में ही होता था, और जो एक प्रकार से अखाड़ा का निर्माण समझ ले तो अखाड़ा का काम करता था बिहार। उसके बाद देखें तो इल्तुतमिश दिल्ली संतलत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली संतलत का कौन था, तो प्रथम सुल्तान था। उसने बिहार पर अभियान किया और उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखेंगे बिहार और बंगाल पर दिल्ली के जो इल्तुतमिश थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने कब जो है कि अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो 1225 ईस्वी में। परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। ध्यान रखेंगे जो यह अधिकार था उसका उसके उत्तराधिकारी के समय ही खत्म हो गया। नेक्स्ट है कि तुगलक काल में
तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ करता था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण होता मतलब नियंत्रण हुआ करता था। यहाँ पर देखें तो 1324 से 1325 ईस्वी की बात में देखें तो 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो 1324 से लेकर के 1325 ईस्वी की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर जो है कि क्या करे तो विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी में जो बंगाल अभियान चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने, उसके समय में देखें तो बिहार आया था और जो है कि पटना और गया से उसके अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने बंगाल अभियान में क्या किया तो 1359 ईस्वी में बिहार आया और जो है कि पटना और गया की बात करें तो पटना और गया से उनका जो है कि फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर की बात करें तो राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है कि अनुदान देने का भी प्रमाण मिलता है। कहाँ से? तो जो पटना और गया में जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें बात करते हैं। और यहाँ पर राजगीर के मंदिर के अभिलेखों में भी आपको देखने को मिलेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर दान दिए थे। नेक्स्ट जो है कि फैक्ट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करता था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था और उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यानी कि जो उस समय बिहार की बात करें उस समय बिहार काल में उस काल में जो है कि बिहार शरीफ का जो है कि नगर क्या था, नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना करता था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही तरीके से मतलब धर्म धर्म का जो है कि जोरों शोरों से प्रचार और एक तरीके से प्रमुख केंद्र के रूप में आप समझे बौद्ध धर्म का, तो यह बिहार शरीफ था। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे तो निकल के आता है कि तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है तो मलिक इब्राहिम का आता है। ध्यान रखेंगे जो तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है तो मलिक इब्राहिम का आता है, जो मलिक बाया कहलाते थे। ध्यान रखेंगे जो किस नाम से जाने जाते थे, जो मलिक बाया के नाम से जाने जाते थे। इसका मकबरा की बात करें, इनका मकबरा बिहार शरीफ की पहाड़ी में स्थित है। यानी कि मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है तो बिहार शरीफ के पहाड़ी में स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। इसको ध्यान रखें तो 13वीं शताब्दी के मध्य की बात करते हैं तो 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में कब किया गया तो तबकाते नासरी में बिहार के नाम का भी उल्लेख मिलता है। तबकाते नासरी एक प्रकार का रचना है जो कि मिनहाज के द्वारा किया गया था और उसमें बिहार की जो है क्या उल्लेख मिलता है। यह जो कब रचना किया गया था तो 13वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चले तो अफगान शासन में बिहार किस तरीके से था उसकी बात करेंगे। अफगान शासन में बिहार की बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1495 से लेकर के 1496 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार के प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी सिकंदर लोदी ने क्या किया तो 1495 से 1496 ईस्वी में बात करें तो दरिया खान नुहानी को बिहार के प्रशासक के रूप में, प्रशासक या फिर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। कौन? तो सिकंदर लोदी नियुक्त किए थे। उसके बाद इसी से जुड़ी फैक्ट है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी और दूसरी ओर अफगान शासक मोहम्मद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गए थे। ध्यान रखेंगे दूसरी ओर क्या हुआ था तो अफगान के जो शासक थे मोहम्मद लोदी, उन्होंने क्या किया तो वह भी भाग करके जो बाबर से बचने के लिए बिहार कहाँ गया था तो बिहार में आ गया था। उसी समय जिस समय में बहार खान नुहानी जो ने क्या किया तो अपने जो राज था उसका जो क्षेत्र था उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया, सत्ता को जो है कि स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसी समय बाबर आया था उसके यहाँ बिहार में आया था। उसके बाद देखें तो बाबर ने 1529 ईस्वी की बात करें तो बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। यानी घाघरा का युद्ध कब हुआ था तो 1529 ईस्वी में हुआ था और बिहार में हुआ था और बिहार में जो है कि बाबर किससे लड़ा था तो अफगानों से लड़ा था और उन्हें पराजित भी कर दिया, अफगानों को पराजित भी कर दिया था। कौन? तो बाबर। उसके बाद बात करें तो घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का जो है कि उदय हुआ। यानी कि शेर शाह के नेतृत्व में जो है कि पुनः से घाघरा युद्ध के बाद
बाद की बात करें तो फिर से जो है कि शेरशाह सूरी ने अपने अफगानों की जो नेतृत्व में आप देखें तो शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों के जो है कि उदय होना शुरू हुआ फिर से। उसके बाद बात करते हैं शेरशाह सूरी की। अब शेरशाह सूरी के बारे में जाने तो शेरशाह सूरी का जन्म आप देखेंगे तो 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम देखें तो हसन खां था जो कि सासाराम के जागीरदार थे। और ध्यान रखेंगे जो हसन खां जो थे वह शेरशाह के पिता थे, शेरशाह सूरी के पिता थे। और ये कहाँ के जागीरदार थे, जहाँ मतलब जागीरदार थे तो यह थे सासाराम का जागीरदार थे। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो शेरशाह के बचपन का नाम देखें तो फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। नेक्स्ट फैक्ट है बहार खां नुहानी के नुहानी ने जो कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की जो उपाधि किसने दिया था, बहार खां नुहानी ने किसको दिया था, तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। शेर खां ने नुहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया, विवाह कर जो है बिहार के क्षेत्र पर अपना अधीन कर लिया था। ध्यान रखेंगे शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह करके बिहार क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है या फिर अपना अधीन जमा लिया था। उसके बाद देखें तो शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी और उसमें क्या हुआ, तो सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उसने उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी की जो लड़ाई लड़ी जिसमें सूरजगढ़ की लड़ाई कहा जाता है उसको, और उसमें क्या हुआ तो बंगाल को पराजित करके उसने उस पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलें तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था जो कि हुमायूं को पराजित कर उसके कर जो है कि उसने क्या किया, तो शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। यानी कि 1539 ईस्वी की बात करें, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कौन किया, तो शेर शाह सूरी ने पराजित किया। और जो है उसको जो पराजित करके जो क्या किया, तो शेर शाह की जो उपाधि थी उसने धारण कर लिया। उसके बाद बात करते हैं, पहले शेर खां कहलाता था उसके बाद शेर शाह कहलाने लगा। इसके बाद देखें तो 1540 ईस्वी में कन्नौज 1540 ईस्वी में कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं इसे। तो माने कि चलिए कि 1540 ईस्वी में कन्नौज के जो युद्ध थे उसमें हुमायूं को पराजित करके उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना कर दी थी। कहाँ पर सूरवंश की स्थापना की, तो दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। कैसे की, तो 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ा हुमायूं से और हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी ने अपना जो है कि सूरवंश की स्थापना कहाँ पर, दिल्ली में कर ली। उसके बाद है 1541 ईस्वी की बात करें तो 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था और इस पर नगर को बिहार की राजधानी बनाया था। यानी कि 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का जो है कि दुर्ग बनवाया, किला बनवाया, एक तरीके से समझ ले तो जो दुर्ग बनवाया था, इस नगर को जो है कि बिहार की राजधानी घोषित कर दिया। पटना में जो दुर्ग बनवाया था उसका, पटना का दुर्ग को। उसके बाद देखें तो इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीखे दाऊदी में मिलता है। यानी कौन से पुस्तक में मिलता है, तो तारीखे दाऊदी में मिलता है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, अब्दुल्लाह के द्वारा लिखा गया। अगला फैक्ट है कि शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी जो है कि मृत्यु हो गई। किसकी, तो शेरशाह की जो है मृत्यु कब हुई, तो 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान जो है कि गोला फट गया था, बम फट गया था, उसके दौरान जो है घायल हो गए, उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए तो शेरशाह ने अपनी जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापना कला पर आधारित मकबरा का निर्माण शुरू करवाया था। और शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है कि उसके पुत्र शेरशाह सूरी के इस्लाम शाह ने इसे जो है कि बनवाया। किसको, इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य कला पर आधारित जो मकबरा था इसको जो है कि बनवाया। कृत्रिम झील के तहत स्थित यह इमारत आकार में अकोष्ठकोणीय तरीके का था, इसका मतलब ढांचा संरचना था, एवं लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे, जो मतलब जो है कि
किसका, तो शेर शाह के पुत्र का नाम क्या था, तो शेर शाह के पुत्र का नाम आप देखेंगे तो इस्लाम शाह था, और इस्लाम शाह ने जो सासाराम में जो बनवाया जा रहा था इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित जो मकबरा बनाया जा रहा था शेर शाह सूरी के द्वारा, तो उसको जो है कि कौन सा पूरा, कौन जो है कि पूरा करवाया, तो उसके पुत्र ही जो के द्वारा पूरा करवाया। और वह जो मकबरा था किस तरीके था, तो अष्टकोणीय था और जो कि लाल बलुआ पत्थर का था से निर्मित था। उसके बाद देखें तो अगला फैक्ट की तरफ चलेंगे, तो शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला बनवाया था। शेर शाह ने कौन सा किला बनवाया था, तो बिहार में रोहतास का किला जो है कि बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे तो शेर शाह ने जप्ती प्रणाली चलाई, जिसमें कि भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था, और बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। इसको ध्यान रखेंगे, शेर शाह ने जो है कि जप्ती प्रणाली चलाई थी और इसको बाद में कौन अपनाया था, तो इसको बाद में किसने अपनाया था, अकबर भी अपना लिया था, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इसमें क्या होता था जप्ती प्रणाली में, कि जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया गया था इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे मतलब कि जिसके पास जितना अधिक जमीन है उसको उतना अधिक लगान देना पड़ेगा, इस तरीके से था। और अगला फैक्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड, कि शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, और उसके संचार व्यवस्था जो कि डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था के व्यापक सुधार दिए गए थे। ध्यान रखेंगे जो शेर शाह का शासन व्यवस्था था, सुशासन व्यवस्था प्रणाली जो कि बहुत प्रसिद्ध था, उसने जो है कि संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार करने का काम किया था। उसके बाद देखें तो शेर शाह के बाद पुत्र, उसका जो पुत्र था जलाल खां, शेर शाह के बाद जो है कि उसका पुत्र कौन था, तो जलाल खां या फिर इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो इस्लाम शाह या फिर जलाल शाह दोनों एक ही आदमी है, की उपाधि मतलब जलाल खां जो है इस्लाम शाह की उपाधि के साथ जो है कि गद्दी पर बैठा, यानी शेर शाह के पुत्र का नाम ओरिजिनल नाम देखिए तो जलाल खां था, और वह जो है कि इस्लाम शाह का जो है कि उपाधि प्राप्त करके जो है कि अपने जो है कि गद्दी पर बैठा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे, तो बाद में सूर वंश के तीन भागों में बट गया, यानी कि बाद में जो है कि सूर वंश कितने भागों में बट गया, तो तीन भागों में बट गया, और 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर वंश का अंत कर दिया था। ध्यान रखेंगे सिकंदर सूरी को जो है कि हत्या करके, पराजित करके जो है कौन, हुमायूं ने क्या किया, तो सूर वंश की स्थापना को अंत कर दिया, सूर वंश को जो है कि अंत कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद फैक्ट निकल के आता है मुगल काल में बिहार किस तरीके से था, ये इंपोर्टेंट रहेगा। मुगल काल में बिहार की बात करें तो शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही थी, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना की गई, यानी मुगल राज की पुनः स्थापना कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, तो शेर शाह के मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की ही सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की पुनः से स्थापना हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलें, तो दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे एक अफगान राज का गठन कब हुआ था, तो ये दिल्ली में मुगल राज की पुनः जो स्थापना हुई थी उसी समय में, देखें तो उसी समय में स्थापना के समय में ताजा खां करानी जो थे कौन थे, तो उनके नेतृत्व में अफगान के राज था उसमें जो है उसका जो है कि गठन किया गया नया राज के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि ताजा खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया था, इसको ध्यान रखेंगे। ताजा खां करानी के ने जो है कि अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र जो है कि दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया था। अगला फैक्ट है कि अकबर से रिलेटेड, जो अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया था, और 1576 ईस्वी में उसको जो है कि पटना 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया, और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा था। ध्यान रखेंगे जो पटना छोड़कर किसे भागना पड़ा था, तो दाऊद खां को भागना पड़ा था, और पटना को जीत लिया था कौन, तो देखेंगे तो कौन जीत लिया था, तो मुगल सम्राट जो था वह जीत लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के रूप में आप देखेंगे तो दाऊद खां
दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। मतलब जो है कि दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक के रूप में सिद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो 1580 ईस्वी में बिहार के मुगलों द्वारा एक सूबा या फिर प्रांत का दर्जा दिया गया था। कब? तो 1580 ईस्वी में इसे एक सूबा या फिर प्रांत की दर्जा दी गई थी। उसके बाद अगला फैक्ट है कि अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। अकबर द्वारा किसको गवर्नर बनाया गया? तो मुनीम खां को जो है कि बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद बात करें कि अकबर के समय राजा मान सिंह, अकबर के समय में राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति जो कि 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद देखेंगे जैसे कि पहले मुख्यमंत्री वगैरह होता है अपने लोग का भी, तो उसी तरीके से था यह प्रांतपति, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। उसके बाद देखेंगे तो जो नेक्स्ट फैक्ट है, मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की जो है राजधानी बनाए जाने की बात चल रही थी। और उसके बाद देखें तो राजगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त करना होता था, इसको ध्यान रखेंगे। यह फैक्ट क्या कहता है? तो जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था, इसको भी ध्यान रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट है देख सकते हैं यहाँ पर कि जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को जो है कि बिहार का प्रांतपति बनाया गया था और बाद में वह केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा यहाँ से, तो देख सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो फैक्ट निकल के आता है यहाँ से कहता है औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र यानी पोता उसका था राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या फिर सूबेदार नियुक्त किया था और जो कि अजीम ने पटना का नाम जो है कि बदल करके अजीमाबाद कर दिया था। तो पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद करने वाला कौन था? तो राजकुमार अजीम ही था जो कि औरंगजेब का पोता था, ध्यान रखेंगे। और 1702 ईस्वी में उसे बिहार का जो है कि सत्ता मिला था, वहां के सूबेदार नियुक्त किया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट है कि उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख सियार, ध्यान रखेंगे जो उत्तर मुगल काल के शासक कौन थे, तो फर्रुख सियार ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया और वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ध्यान रखेंगे। जो कौन सा था पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वह कौन था? तो फर्रुख सियार जो था उसे जो है कि इस बिहार में जो है कि क्या था राज्याभिषेक किया गया था जो कि 1713 ईस्वी में इसका किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा कौन था? सबसे पहला मुगल सम्राट जो था जिसका राज्याभिषेक हुआ था बिहार में वह फर्रुख सियार था जो कि 1713 ईस्वी में हुआ था और 1761 ईस्वी में उसके बाद जो कि शाह आलम द्वितीय का जो है कि विधिवत राज्याभिषेक बिहार में ही हुआ था। उसके बाद बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था वह 1707 ईस्वी में हो गई थी के बाद जो है उसके मृत्यु के बाद जो जाने तो बाद में कमजोर होती सत्ता में जो है कि बंगाल बिहार बंगाल का जो है कि भाग बन गया था, यानी बिहार जो है कि बंगाल में जुड़ गया था, इस तरीके से आप जाने। उसके बाद फैक्ट है कि मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बना रहा, यानी तीनों का जो है कि सूबेदार बना रहा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद सरफराज खान नवाब बन गए थे और अलवर्दी खां ने गरिया के युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में सरफराज खां
को जो है कि पराजित करके बंगाल का नवाब बन गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, अलवर्दी खान ने गड़िया का युद्ध 1740 में लड़ा, जिसमें कि सरफराज जो खां थे उसको हरा करके बंगाल का नवाब भी बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर उनके पद को खाली बना दिया था। ध्यान रखेंगे, जो उसने मुगल सम्राट को क्या किया था, कौन, तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, तो 2 करोड़ रुपया दे करके क्या किया था, तो उसके जो पद थे दे करके अपने पद को अस्थाई बना लिया था। यानी कि जो उसका जो पद था, यानी कौन, तो मुर्शिद कुली खान का जो पद था, पोस्ट था, उसे क्या करवा लिया था वह, तो 2 करोड़ रुपया दे करके वह अस्थाई रूप से बन गया था उस पोस्ट के लिए। उसके बाद देखें तो 1756 ईस्वी की बात करें, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा करता था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला बात देखें तो अगला टॉपिक के रूप में देखने को मिलेगा सिख धर्म। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म से रिलेटेड जो देखें तो सिख धर्म और बिहार के बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें कि सिख धर्म की संस्थापक गुरु नानक देव को कहे जाते हैं और उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की हुई थी। उसके बाद बात करें तो सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर, सिख गुरु के 9वें गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और वहां जो है कि वे अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को छोड़ गए थे। इसको ध्यान रखेंगे, कहां पर जो बात करें तो हम सासाराम गया होते हुए पटना आए, यानी कि पटना में जो है कि अपनी पत्नी जो गुर्जरी देवी थी, किसकी पत्नी, तेग बहादुर की, उसको छोड़ दिए थे, जो माँ बनने वाली थी। और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था, यानी कि पत्नी तेग बहादुर सिंह की जो पत्नी गुर्जरी देवी थी उसी के जो पुत्र थे, कौन, तो गुरु गोविंद सिंह थे, और जो है कि तेग बहादुर का पुत्र भी समझ ले तो गुरु गोविंद सिंह ही थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फैक्ट है कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गोविंद गुरु सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखेंगे, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है जाने तो पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने थे और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर ली थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है, तो गुरु गोविंद सिंह ने 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने थे और 1666 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की जो है कि स्थापना किया था, कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद का बात करें तो तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख सिख धर्म का प्रयत्न स्थल, तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसको बात ध्यान रखेंगे, जो तख्त, जो श्री हरिमंदिर के पटना साहिब के जो सिख थे, सिख धर्म के जो प्रमुख थे, वह तीर्थ स्थल, देखे प्रमुख तीर्थ स्थल था। इसको भी ध्यान रखें, जो पटना में हरिमंदिर पटना साहिब है वहां पर जो देखे तो यह धर्म का प्रमुख जो है कि तीर्थ स्थल है और इसका जो है कि निर्माण आप देखें तो इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो है कि करवाया गया था। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में आप देखने को मिलेगा आपको, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, जो नए वीडियो में हम देखेंगे उसमें हम जानेंगे कि आधुनिक बिहार के बारे में, और यह थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा और कई सारे फैक्ट होंगे जो कि आए दिन जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टॉपिक है आपका यूनानी कंपनियों का प्रवेश, उसके बाद जो है कि जनजातियों का विद्रोह, विद्रा बिहार में किस तरीके से था, उसके बाद 1857 की जो क्रांति थी बिहार के संदर्भ में कैसा था, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार के बारे में जानेंगे फैक्ट वगैरह। उसके बाद जो लास्ट में देखने को मिलेगा पृथक बिहार का गठन किस तरीके से हुआ, इन सभी फैक्टों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।